और बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना, कि हमको मान लीजिए कि 3.25 लाख वोट आया और जीतने वाले को 6 लाख वोट आया, तो उसको इस रूप में ना ना देखा जाए कि उनको हमसे 4 लाख वोट ज़्यादा आया, ये देखा जाए कि वो जो 2,70,000 लोग हमको वोट दिए हैं वो कौन हैं, कहाँ हैं, उनको ढूंढा जाए। और किसी भी दौर में मैं आपको बताता हूँ, सब लोग रोड पे नहीं उतरते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी सब लोग रोड पे नहीं उतरे थे। जीवन की मूल समस्या जो है वो है कि रोजी रोटी, घर द्वार, बाल बच्चा, शादी ब्याह, शिक्षा स्वास्थ्य, उसी में लगे रहते हैं और उसको कोसने की भी ज़रूरत नहीं है। हम भी उसी में लगे रहना चाहते हैं, लेकिन वो काम ठीक से हो सके उसके लिए कुछ लोगों को रोड पर भी निकलना पड़ेगा। चुनाव लड़ कर के जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, कि कहते हैं ना कि थोड़ा हमारे यहाँ एक कोलोकियल कहावत है, चमड़ी मोटी हो गई है थोड़ी, बीच बीच में जो है निराश जैसे हो जाते थे, लगता था कि पता नहीं ये लड़ाई कहाँ जाएगी। चुनाव लड़ने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है कि आप चुनाव के आगे क्या उसको भी देख पाते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि चुनाव तक ही सोच पाते थे, अब चुनाव से आगे क्या वो भी देख पा रहे हैं, ये सबसे सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है। अभी बिहार के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या उसमें लड़ने की कोई कोशिश है आपकी? नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन अगर आप सामूहिक लड़ाई की बात करेंगे, कलेक्टिव बैटल और फाइट की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे साथ के कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे। हम जो है चुनाव को इस रूप में लेंगे कि हम एक विकल्प हैं और हमारी जो बात है वो एक राजनीतिक विकल्प है, एक विकल्प देने के लिहाज से कि लोकतंत्र कैसे आगे बढ़े और लोगों के वो वाजिब सवाल जो आज भुला दिए गए हैं वो चुनावी विमर्श का हिस्सा कैसे बने, उस पर कैसे जो है डिबेट हो, चौक चौराहों पे यदि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चर्चा चल रही हो, तो उसमें ये भी हो कि हॉस्पिटल की बात क्यों नहीं हो रही है, एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो रही है, जो मजदूर हैं उनके राइट्स की बात क्यों नहीं हो रही है, पर्यावरण की बात क्यों नहीं हो रही है। अब आने वाले समय में कि कई शहर इस देश के वो पानी के बिना हो जाएंगे, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो इस विकल्प के साथ हम होंगे चुनाव में, और ये भी कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पे जिनकी सहमति हो उनके साथ एक यूनाइटेड फ्रंट भी बने। लेकिन वही जो मैंने आपको कहा पहले सवाल के जवाब में, कि चुनाव लड़ने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि चुनाव के बाद क्या ये भी देख पाते हैं। तो एक जो सबसे नई बात पता चली है, यूनाइटेड फ्रंट सिर्फ चुनाव में नहीं बनेगा, चुनाव के पहले बनेगा और चुनाव के बाद भी रहेगा। चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो तब भी उसको रहना पड़ेगा, मतलब यूनाइटेड फ्रंट इलेक्शन में नहीं स्ट्रगल में बनाना पड़ेगा। मोर्चा जो बनाने का प्रयास है वो महज चुनावी तालमेल नहीं है, दो तुम्हारा दो हमारा मिला के चार कर लेते हैं ये नहीं, फिर दो तुम्हारा दो तुम हमारा मिला के जो चार करेंगे ना उसमें से दो निकल लेगा जिसको कहीं और इंटरेस्ट दिखेगा। तो एक कौन कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, कॉमन फेथ, एक कॉमन बिलीफ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके, एक कॉमन आइडियोलॉजी है। डिफरेंसेस तो होंगे, हम लोग डिफरेंसेस ज़्यादा ढूंढते हैं जबकि डिफरेंसेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को ध्यान से देखें तो डिफरेंस अपने आप नज़र आ जाएगा, लेकिन सिमिलरिटी क्या है इसको अगर एक्सपीरियंस करना है तो बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो उस आधार पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, एक जो है सिमिलरिटीज़ के आधार पे डिफरेंसेस को थोड़ा देर छोड़ करके चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, कि इस देश में लोगों के वाजिब सवालों पर राजनीति को एक नई दिशा कैसे दी जाए। इसी बात को जोड़कर मेरा एक सवाल था कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव पीपल के बीच में डिफरेंसेस तो है, तो इस डिफरेंसेस के बावजूद भी हम कैसे एक कॉमन एक कन्वर्जिंग पॉइंट तो होना चाहिए, वो क्या होता है, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, और कन्वर्जिंग पॉइंट्स क्या है, वो
और उसको तो एक्सप्लोर करना चाहिए ना, आपके हिसाब से क्या होता है? देखिए ये जो डिफरेंसेस है ना, इस डिफरेंसेस का अपना एक आधार है। पूरी दुनिया में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं। लेकिन सबसे बुनियादी यूनिटी क्या है कि हम सब मनुष्य हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी नेचुरल क्लाइमिटी हो जिसमें इंसान का बचना मुश्किल हो जाए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा या ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम है आज के समय में ह्यूमैनिटीज़ के सामने, वो ये है कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो दरअसल ह्यूमैनिटी को ही अल्टीमेटली ख़त्म कर रहे हैं। और आइडिया ऑफ सिटीजनशिप जो है आज खतरे में है। मैं कई बार ये बात लोगों को कह रहा हूँ कि जिस तरीके से चक्र पूरा हुआ, ये सर्किल कंप्लीट हुआ है, आज के समय में जो राइट डायरेक्शनरी फोर्सेज इमर्ज की है दुनिया में, ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और सारा डिफरेंस जो बना है मॉडर्न टाइम पे, ठीक है, वो बेसिकली बना है रशियन रेवोल्यूशन के बाद। राइट, लेफ्ट, सेंटर, लिबरल, प्रोग्रेसिव, हैं, मैं कह रहा हूँ कि रशियन रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल और वैल्यूज की बात ही नहीं है, उसकी मॉरलिटी की बात ही नहीं है, ये सीधे तौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी के खिलाफ है। इसको आप समझ लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी है ना इक्वलिटी, फेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी है। आज पूरी दुनिया में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी के एथिक्स को रिवर्ट करना चाहते हैं। नहीं, वी कांट बी इक्वल, हम इक्वल नहीं हो सकते। किस बात की फेटर्निटी? वो चर्च जाता है, हम मस्जिद जाते हैं, किस बात की फेटर्निटी? वो मंदिर जाता है, हम मस्जिद जाते हैं, किस बात की फेटर्निटी? और किस बात की लिबर्टी? औरतें पैदा होती हैं, शोषण उनका होना चाहिए, यही बोल रहा है ना। पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अगर आप सिंथेसाइज करेंगे तो आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे ना। ये जो डिफरेंस आज के समय में हम रख करके चल रहे हैं ना, लिबरल, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हम आपस में लड़ने में इतने मशगूल रहे कि हमारा बुनियादी अधिकार ही हमसे छीन के ले गया है ये। और अब जो इनका अगला स्टेज है बेसिकली, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सबसे वर्स्ट फेज में ये दुनिया को ले जाना चाहते हैं। सबसे वर्स्ट वर्स्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ह्यूमन कैपेसिटी को एक तरफ रिड्यूस किया है एज ए ह्यूमन लेबर, दूसरे तरफ ह्यूमन पावर को दूसरी तरफ एक दूसरे एक्सट्रीम पे लेकर के गया है। एक आदमी बैठ करके पूरी दुनिया का सर्विलांस कर सकता है। तो आप बताइए कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, जिसको कहते हैं डिक्टेटोरियल पावर, वो कितना पावरफुल हो गया है? आज के समय में कोई गुरिल्ला वार पॉसिबल नहीं है। अगर कोई गुरिल्ला वार होगा भी तो उसका फील्ड जो है वो जंगल नहीं होगा, उसका फील्ड जो है वो इंटरनेट का जो है, कोई जो है ऐसा वेव ढूंढना पड़ेगा जिसको आजकल वहाँ पे निगेटिव फोर्सेज एक्टिव हैं, जिसको हम डार्क वेव कहते हैं। वहाँ पे कोई प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्स तो नहीं है, वहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो लड़ाई कुछ और हो गई है, और इनका जो अपना क्राइसिस है प्रॉफिट का, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान मंदी में है, पूरी दुनिया मंदी में है। तो ये कहीं ना कहीं तो डाइवर्जन करेंगे ना लोगों को, ये करोड़ों करोड़ लोग को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करेंगे ना। अगर ये फुल फ्लेज्ड वॉर में जाएंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। इनफैक्ट किसके पास है किसके पास नहीं है ये पता लगाना भी मुश्किल है। तो इसीलिए आज आप देखिए कि आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को डिस्ट्रॉय करके क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है हर जगह। और आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन को देख लीजिए, सीधे तौर पे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल क्वेश्चन को साइडलाइन करके आइडेंटिटी को और कल्चरल क्वेश्चन को प्रोमिनेंटली रखा जा रहा है। इसीलिए आज के समय में जो बेसिक ह्यूमैनिटीज में बिलीव करने वाले लोग हैं ना,
अपने डिफरेंसेस को उनको इमीडिएटली रिड्यूस करके एक लार्जर यूनिटी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये होगा भी। मैं एक बात आपको आज बोल रहा हूँ, हो सकता है कि अभी यह बात लोगों को ठीक ना लगे, जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ आप देख रहे हैं ना, ये कोई नहीं बचने वाला है, इंक्लूडिंग बीजेपी। क्योंकि ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं ना, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज में पैदा हुई हैं। आज जो हम लोग जिस दुनिया में धीरे धीरे इंटर करते जा रहे हैं, ये एक्चुअली पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज है। नई तरह की पॉलिटिकल पार्टी, नया तरह का कांग्रेस, नया तरह का लेफ्ट, नया तरह का राइट। राइट चूंकि हमसे ज़्यादा एडवांस हमको लग रहा है, क्योंकि तो कई जगह पे जो है इनको पावर में आने में वक्त लग गया। उसमें रशियन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर रशियन रेवोल्यूशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही नहीं हो गया होता, तो कैपिटलिज्म का जो यह रूप हम देख रहे हैं न्योलिबरलिज्म के बाद, यह और पहले आ गया होता। तो बीच में केन्स की थ्योरी को मानते हुए वेलफेयरिज्म को इनको एडॉप्ट करना पड़ा। मार्शल प्लान के तहत जो है बड़े पैमाने पे यूरोपीय देशों को पैसा दिया गया, और डेमोक्रेसी मन कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक होने का एक नाटक जो है करना पड़ा। तो एक फेज जो है वो गुजरा, नहीं तो पावर में ये फोर्सेस पहले आ जाती सब मिल करके। आप सोचिए कि क्या यूनिटी रही होगी, एक तरफ स्टालिन और दूसरी तरफ जो है अमेरिका और इंग्लैंड, कैसे वो यूनिटी बनी होगी हिटलर और मुसोलिनी को हराने के लिए। तो अपने आप में तो ये बहुत एडवर्स यूनिटी थी ना। रसिया और अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्ती होना अपने आप में एक बहुत ही, जो कहते हैं टू अपोजिट्स का यूनिटी हुआ था। उस वजह से जो है ये फेज थोड़ा लेट आया है। अब ये फेज जब आ गया है और सारे प्रयास जो हैं कैपिटलिज्म के द्वारा किए जा चुके हैं, खुद ही कहा कि जो है दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज होगी, तो दुनिया ग्लोबल विलेज होगी और अमेरिकन प्रोडक्ट लोग अगर बेंगलोर में पिएंगे तो बेंगलोर का आदमी भी न्यूयॉर्क में जा कर के काम करेगा। तो बताइए इमिग्रेशन पॉलिसी को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्यों कह रहा है कि बाहरी लोगों को वहाँ से निकाल करके फेंका जाए। हर देश में जो राइट रिएक्शनरी फोर्स का आंदोलन है वो तो यही कह रहा है ना कि बाहरी को भगाओ, उसका तो यही आंदोलन चल रहा है। तो दुनिया एक नए फेज में जा रही है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। और उसका बुनियादी शर्त जो है यूनिटी का, वो यही है कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हुए, ह्यूमन लाइफ को सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हुए, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए, और अब तो अपने सर्वाइवल के लिए पर्यावरण के सवाल को भी प्रोमिनेंटली उठाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसमें हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है।